हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन निशु टिप्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देखने वाले हैं वो प्रोडक्ट ये है। ये देखिए, ये गुड वाइब्स का एक्टिविटी चारकोल पील ऑफ मास्क है। एंड फ्रेंड्स, गुड वाइब के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। इसमें पैराबिन नहीं होता है, सल्फेट नहीं होता, क्रुल्टी फ्री होता है और इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं होता है। तो इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में इस प्रोडक्ट का डिटेल देखेंगे। सबसे पहले कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्या क्लेम करती है, इस प्रोडक्ट का सारा डिटेल देखेंगे। उसके बाद डेमो देखेंगे, उसके बाद मैं बात करूँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए निशु टिप्स को, ठीक है। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई सा वीडियो डालूं आप मिस नहीं करिएगा और मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे और आप उसे देख पाइएगा। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मुझे मेरे फेसबुक पेज निशु टिप्स को लाइक कर लीजिए। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब चलिए जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। इसका फ्रंट पैक है, फ्रंट पे ही इन्होंने सबसे पहले मेंशन कर रखा है इसका एमआरपी जो कि 249 रुपीज़ है। फिर नीचे गुड वाइब्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। एंड फ्रेंड्स, इसके जो क्वांटिटी वो 100 ग्राम का है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इस प्रोडक्ट के बारे में, नो पैराबिन्स, नो सल्फेट्स एंड क्वालिटी फ्री, नो मिनरल ऑयल, यहाँ फ्रंट पे ही इन्होंने मेंशन कर रखा है। फ्रेंड्स, ये इसका बैग है और बैग पे सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। इसकी जो सेल्फ लाइफ है 2 ईयर की इसकी सेल्फ लाइफ है और यहाँ नीचे में इन्होंने लिख रखा है कि एक्चुअल में ये जो पील ऑफ मास्क है ये क्या वर्क करता है, चारकोल का क्या बेनिफिट वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं। जब आप इसे लगाइएगा तो आपकी स्किन की जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका स्किन ग्लो करेगा। और इसे कैसे यूज़ करना है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो आपको आगे वीडियो में डेमो में आपको देखने को जाएगा इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉशन दे रखा है कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं करना है और इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। मतलब कि एक कॉशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है अपनी आंखों के आसपास इसे मत लगाइएगा और गलती से अगर ये आपकी आंखों में चला जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे जल्दी से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। और हाँ, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले इसका पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब टाइम है डेमो का, तो चलिए इस प्रोडक्ट को मैं अपने चेहरे पे लगा के आपको दिखाती हूँ। बट फ्रेंड्स, इस चेहरे पे लगाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी आंखों के आसपास मत लगाइएगा, ठीक है। और इसे अपने चेहरे पे लगाने से पहले आप अपने जो स्किन केयर रूटीन उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। मीन्स कि आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, स्क्रब कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिएगा। और पील ऑफ मास्क बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, हफ्ते में एक बार इनफ है, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि इसे आपको 15 से 20 मिनट ही अपने चेहरे पे लगा रहने देना है। तो अब मैं चलिए आपको अपने चेहरे पे लगा कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैंने अपने चेहरे पे इसे लगा लिया है। बट मैं आपको बता दूं, इसे लगाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि अच्छे से इवेंटली मेरी स्किन पे नहीं लग रहा था और अभी भी इवेंटली नहीं लगा हुआ है। और इवन कि इसे निकालने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद ये निकल रहा था ट्यूब से। और चेहरे पर लगाने में आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से लगा है। और अब जब इसे मैंने अपने चेहरे पे अप्लाई कर रखा है अभी, तो मेरा जो चेहरा थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था, लग रहा मैंने कोई ठंडा सा चीज़ अपने चेहरे पे लगा लिया है। जैसा कि इसमें मेंशन कर रखा है, इसे 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पे लगा के रखना है, ठीक है। तो मैं लगा के रखती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, इसे लगाए हुए मुझे अप्रोक्स 25 मिनट हो गया है और आप देख सकते हो ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। ये वाला पोर्शन जो कि पतला लगा हुआ है तो ये ड्राई हो गया है, इधर आप देख सकते हो ड्राई हो गया है, बट यहाँ थोड़ा थिक लगा रखा था मैंने तो वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। अब मैं इसे पिल करती हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, मैं इसे नीचे से पिल कर रही हूँ, मतलब कि गर्दन से ऊपर की तरफ मैं इसे पिल करूँगी और आप भी ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि जब भी पील का करने का जो तरीका होता है वही यही सही तरीका है। ऊपर से करना सही नहीं होता है, नीचे से ऊपर को करना चाहिए। सो ये जो है ये निकलेगा तो टुकड़ों में निकलेगा क्योंकि ये इवेंटली नहीं लगा हुआ है।
मैंने इसे अच्छे से पील कर लिया और जो भी थोड़ा बचा हुआ है वो वाटर से वॉश करूंगी तो सारा निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं पहले इसे अपने चेहरे को क्लीन करके आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। मैंने अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा, जो कि है गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। जब मैंने इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करा तो इसे अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि इवनली अप्लाई नहीं हो पा रहा था, बट अप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आया। आपके जो मेरे जो छोटे छोटे फेशियल हेयर्स थे उसे इसने रिमूव कर दिया, मेरे व्हाइट हेड्स इधर उधर साइड में थे उसे इसने रिमूव कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, और मेरी जो मेरा जो फेस है वो ड्राई फील नहीं हो रहा है। ठीक है, और मेरी जो स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ड्राइनेस का, तो इसे यूज़ करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी स्किन ड्राई हो गई है। और इवनली कि मैंने इसे जब अभी मैंने धो लिया है पानी से, फिर भी मुझे जो अपना मेरा जो स्किन है काफ़ी ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, और इसकी स्मेल भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल नहीं है। और फ्रेंड जब आप इसे पील कीजिएगा तो पील करने में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किसी को पेन हो रहा है तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे तो भी रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो मैंने जब पील किया तो मुझे बिल्कुल हल्का सा पेन हुआ, क्योंकि अगर आपके फेशियल हेयर निकलेंगे तो थोड़ा सा तो पेन आपको होगा ही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी बातें गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।